वैसे बहुत अच्छे इंसान है लेकिन अभी गुंडे का रोल कर रहे हैं, ठीक है, पकड़ो पंकज वाटी जी, इन्होंने ऐसे पकड़ा है, अब मुझे बचना है। अब मेरे पास क्या क्या औजार है, क्या औजार है मेरे पास, हाथ माइक औजार नहीं है ना, लेकिन आपके पास पेन हो सकता है, पॉकेट के अंदर पेन निकालो और आंख में घुसेड़ दो, गर्दन में पेन लगा दो, ठीक है, तो पेन से लिख सकते हैं, भविष्य बना सकते हैं अपना और बिगाड़ सकते हैं सामने वाले का, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसकी नीयत खराब है। दूसरा, ठीक है, ऐसे है, आपको क्या करना है, यहां से बाल पकड़ने और पीछे झुका देना, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से कर रहा हूँ, अगर कोई मुझे ऐसे परेशान करेगा तो जोर से पकड़ूंगा और ऐसे कर दूंगा, क्या होगा, ये नीचे गिर गया। अब दूसरी चीज, अभी तो हम दोनों सेकंड पॉइंट पे ध्यान दें, अभी तो हम दोनों बराबर के, अभी अगर मैं थोड़ा छोटा हुआ तो, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ से ऐसे करके ऊपर देखूंगा और इनके मुंह पे थूक दूंगा, ठीक है, अब ये मुझे ऐसे पकड़े हैं और इनके मुंह पे थूक लगा हुआ है तो क्या ये मुझे पकड़े रहेंगे, क्या करेगा, आपने आप पूछेगा ना, बोले छी ये क्या है, तो जैसे ही मैंने इनके मुंह पे स्प्लिट किया ये मुझे छोड़ेंगे, दो किक मारूंगा, एक पंच मारूंगा, आड़ा टेढ़ा कुछ भी मारूंगा, पेन निकाल के मारूंगा, पत्थर उठा के मारूंगा और भाग जाऊंगा, या मारूंगी और भाग जाऊंगी, ठीक है। तो इस सबके पीछे क्या आया, कॉन्फिडेंस, क्या मेरे को कॉन्फिडेंस है, तू कैसा भी पकड़, कुछ भी पकड़, गर्दन पकड़, बाल पकड़, कुछ भी करो, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो क्यों, क्योंकि थैंक यू सर, थैंक यू, क्योंकि ये मुझे परेशान कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं जो मैं नहीं चाहती हूँ, ठीक है। तो आपको बस मनोबल थोड़ा सा एकदम स्ट्रांग रखना है, तैयार रहना है। किसी के घर में छोटा बच्चा है, 2 साल का 6 महीने का 5 साल का, अच्छा, किस किस ने उस बच्चे को गोद में खिलाया है कभी कभी, अच्छा ये तो सही है, सबने खिलाया होगा, आपके घर में बच्चा नहीं होगा तो भी गोद में खिलाया, कभी ऐसे किसी बच्चे को खिलाया जो आपकी गोद में ही नहीं होना चाहता हो, बहुत मुश्किल है, आप ऐसे गोद में लोगे और वो तो आप या तो नोच लेगा, ठीक है, या काटेगा, या पाँव हिलाएगा, या तो बच्चा वो आपकी गोद से गिर जाएगा या फिर आपको उतारना पड़ेगा। मैं किस बच्चे की बात कर रहा हूँ जो 2-3 साल का है, जब 2-3 साल के बच्चे को नहीं उठा सकते तो इतनी बड़ी लड़की को कोई कैसे उठा सकता है, क्यों, क्योंकि उस बच्चे ने इतना कॉन्फिडेंस है उसको कि हाँ ये तो मेरे को पकड़ ही नहीं सकता, मेरी मम्मी और पापा और मेरे भाई बहन के अलावा मुझे गोद में कोई नहीं उठा सकता, ठीक है। तो अपना मनोबल तैयार रखें, एकदम कॉन्फिडेंस से रहें, कभी भी डरे नहीं, किसी भी प्रकार का खतरा देखने में आता है तो दिमाग का इस्तेमाल करें पहले, अगर कुत्ता आपके ऊपर भोंक रहा है तो आप नहीं कुत्ते को भोंकोगे, ठीक है, वहां से चले जाओगे, पत्थर उठाओगे, तो सेम हियर कि अगर यहाँ पर भी तकलीफ आती है तो आपको तैयार रहना है। मतलब मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, ऐसा बोलते हैं वहाँ पे कि जो काले सिर वाला जानवर है, दैट इज ह्यूमन, हम लोग सबसे ताकतवर और स्मार्ट होते हैं, ठीक है, हम ही सब इन्वेंशन कर